फ्लिपकार्ट अकाउंट इनएक्टिव है तो उसे आप एक्टिव कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग, आशा करता हूं आप लोग पहले की तरह बिल्कुल मस्त होंगे। तो गाइज यार, आज का जो वीडियो वो काफ़ी मस्त और यूजफुल होने वाला है। और आपका भी फ्लिपकार्ट अकाउंट है दोस्तों, अगर आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, डिलीट हो गया है, तो आप उसे फिर से एक्टिव कैसे कर सकते हो, वो कहाँ से कर सकते हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों, बिना कुछ देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस तरह के अच्छे अच्छे टॉपिक आपके पास लाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे जो है आपको अपना मोबाइल के जो भी आपको क्रोम ब्राउजर में उसमें आ जाना है आपको, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मैं अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट आपको ओपन करके, इनएक्टिव है तो उसे आपको एक्टिव करके आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपना अकाउंट लॉगिन करने जा रहा हूँ दोस्तों। अब यहाँ पर मैंने अपना नंबर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर मैं अपना एक नंबर डाल देता हूँ, जो भी मेरे मोबाइल का नंबर है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने जो भी मेरा मोबाइल नंबर था दोस्तों यहाँ पे मैंने डाल दिया। अब यहाँ पे जैसे ही मैं कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर ओटीपी मेरे फ़ोन पे गिर जाता है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे लिख कर आ रहा है, अकाउंट इनएक्टिव, प्लीज़ कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट टू एक्टिव इट। तो मुझे यहाँ पर कस्टमर से इसको एक्टिव करने के लिए मुझे कस्टमर से संपर्क करने पड़ेगा। आपको करना कुछ नहीं है। अब यहाँ पे अपने अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल सा ट्रिक है दोस्तों। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर में आ जाना है, ठीक है। अपने मोबाइल के जो भी क्रोम ब्राउजर में उसमें आपको आ जाना है। अब जैसे यहाँ पे आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है flipkart.com। दोस्तों यहाँ पर मैंने flipkart.com मैंने सर्च कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्च करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपका जो फ्लिपकार्ट जो है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर जो है, अगर आपके ये फ्लिपकार्ट डेस्कटॉप मोड में नहीं है, तो ऊपर की साइड में थ्री लाइन पे क्लिक करके यहाँ पर डेस्कटॉप साइड पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो ये डेस्कटॉप साइड है इस पर आपको टिक कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, आपको थोड़ा सा यहाँ पे जूम करना है और यहाँ पर आपको एक लॉगिन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने जो भी अपने फ्लिपकार्ट अकाउंट बनाए हुए हैं, मतलब कि मोबाइल नंबर से या फिर ईमेल से कुछ भी से बनाए हुए हैं, सिंपली आपको उसको यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर मैंने नंबर से बना रखा है, तो यहाँ पर मैंने नंबर डाल दिया, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर अपना नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, रिक्वेस्ट ओटीपी। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पे रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर जो है रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी नंबर है उस पर आपको एक ओटीपी चला जाएगा और उस ओटीपी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने ओटीपी फिलअप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सीधा आप ओटीपी फिलअप करेंगे, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पर वेरीफाइड ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जो है आपका अकाउंट यहाँ पर खुल रेडी हो चुका है, आप यहां से देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से जो है आप अपना इनएक्टिव अकाउंट को एक्टिव कर सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से जो आप अपना फ्लिपकार्ट अकाउंट को इनएक्टिव से एक्टिव कर सकते हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।